हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बिहार में जो जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई है वो की बिजली विभाग में, उसकी क्लासेस मैं आप लोग के लिए करा रही थी, जिसमें कि हम टैक्सेशन के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था टैक्सेशन में कि क्या डिडक्शन दी जाती है, एटी की जो एटीसी से एटीयू तक की होती है, सारी डिडक्शन भी आप लोग को समझा दी थी और साथ में उसके एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व किए थे। आज जो वीडियो है उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि आईटीआर किस तरह का होता है, कौन कौन सा आईटीआर भरता है, फिल करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इससे क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे और साथ में ही कितने टाइप का असेसमेंट होता है, टैक्स असेसमेंट जो होता है, वो सब आज की वीडियो में रहेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। संक्षिप्त कर निर्धारण जो धारा 143 की उपधारा 1 के अंतर्गत की सूचना निम्न अवधि की समाप्ति के बाद नहीं दी जा सकती, इंटीमेशन फॉर असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 कैन नॉट बी सेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज मेड, 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज मेड। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो संक्षिप्त कर निर्धारण होता है उसकी जो सूचना होती है वो किस उसकी अवधि एक तरह से क्या रहती है कि उसके बाद नहीं दी जा सकती है, कि संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 1 वर्ष पहले, जिस वित्तीय वर्ष में रिटर्न दाखिल किया जाता है उसकी समाप्ति से 1 वर्ष पहले, संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 2 वर्ष, या फिर जिस वित्तीय वर्ष में रिटर्न दाखिल किया गया था उसकी समाप्ति से 2 वर्ष। यहाँ पर एक आंसर क्या होगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि जिस वित्तीय वर्ष में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको रिटर्न को दाखिल करना था, सबमिट करना था और आपने नहीं किया, उसकी समाप्ति से उसके एंड होने के 1 वर्ष के अंदर तक उसकी जो है सूचना दी जा सकती है, उसके बाद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की दशा में आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि है, ड्यू डेट फॉर फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल 13 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 13 सितंबर। तो यहाँ पर आपकी फॉर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, कई तरह के अलग अलग रहते हैं, तो सबका अपना अलग अलग जो है उनके लिए फॉर्म्स भी रहते हैं और उनकी डेट्स भी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल के लिए पूछ रहा है, एक व्यक्ति के लिए पूछ रहा है कि इनकम टैक्स की जो उसको रिटर्न को जो फाइल करना होता है उसकी लास्ट डेट क्या रहती है या डेट क्या होती है, तो वो हो जाती है 31 जुलाई, 21 जुलाई तक उसको अपनी आयकर रिटर्न को फाइल कर देना होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्म जिसके खातों का अंकेक्षण अनिवार्य है, आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि है, ड्यू डेट फॉर फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ ए फॉर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इज 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो एक फॉर्म होगी, इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा था कि क्या था, एक व्यक्ति था, इंडिविजुअल था, यहाँ पर एक फॉर्म है जो कि जिसका अकाउंट जो है वो ऑडिट कराना कंपलसरी है, उनको जो टैक्सेशन की या जो टैक्स के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसकी डेट तिथि क्या रहती है, वो हो जाती है 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर की। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति जिसकी वेतन या पारिवारिक पेंशन एवं ब्याज से आय के लिए निर्धारित फॉर्म है, यहाँ पर आपको फॉर्म से रिलेटेड पूछा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा फॉर्म भरना होता है, फॉर इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी और फैमिली पेंशन एंड इंटरेस्ट द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इज, यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, कौन सा फॉर्म भरना होता है, वो हो जाता है ITR 1। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें आई देख लेते हैं एक बार, सभी आईटीआर को कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कितने टाइप के होते हैं और किस चीज में कौन सा आईटीआर फॉर्म फिल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आईटीआर कौन से फिल किए जाएंगे, जो नया फाइनेंशियल ईयर है और जो असेसमेंट ईयर बनेगा उसके लिए, तो फर्स्ट आईटीआर कौन सा हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें क्या क्या चीजें आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है मैचिंग करने के लिए दे देते हैं, तो मैचिंग करने के लिए अगर हम देखें तो किस तरह के लोग जो होते हैं वो ITR 1 को फिल करेंगे, रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग इनकम ₹50 लाख फ्रॉम सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, यानी कि इन तीन से जो इनकम हो रही है जिन इंडिविजुअल को, वो कौन सा फिल करते हैं, वो फिल करते हैं ITR 1। यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल की बात की जा रही है जिनकी इनकम 50 लाख के आसपास है
और जो सैलरी से इनकम उनकी हो रही है एक हाउस प्रॉपर्टी, अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है उनके पास तो उनको आईटीआर 1 फिल नहीं करना है। कौन सा फिल करना है भी हम देखते हैं। अगर उनके पास ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी तब वो आईटीआर 1 फिल करेंगे और अदर सोर्सेस। अब आईटीआर 2 में कौन से आ जाते हैं, इनकम फ्रॉम एवरी इनकम फ्रॉम आईटीआर 50 लाख, यानी कि जो भी इनकम जो 50 लाख से ज्यादा हो रही है जो आईटीआर 1 से रिलेटेड है वो सब क्या वहाँ जाएंगे आईटीआर 2 को फिल करेंगे। यहाँ पर 50 लाख का से कम हो आईटीआर 1, 50 लाख से अबव हो आईटीआर 2। कैपिटल गेन से जो इनकम होगी मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, अगर 1 हाउस प्रॉपर्टी है आईटीआर 1, मोर देन 1 है तो आईटीआर 2। फॉरेन इनकम, फॉरेन एसेट, क्रिप्टो इनकम इफ रिपोर्टेड एज कैपिटल गेन, अगर क्रिप्टो इनकम हो रही है जिसको कैपिटल गेन की तरह माना जा रहा है तो उसको भी आईटीआर 2 भरना है। होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन अ कंपनी होल्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, उनको क्या भरना होगा आईटीआर 2nd होगा। फिर आ जाता है आईटीआर 3rd, इसमें कौन सी इनकम आ जाएगी, एवरी इनकम फ्रॉम आईटीआर 2। इसके बाद इसमें जाएगा बिजनेस प्रोफेशन, जो मेनली ये आईटीआर 3 है आपका बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड ही जो इनकम हो रही हो उसी के लिए है। क्रिप्टो इनकम इज रिपोर्टेड एज बिजनेस इनकम, अगर क्रिप्टो इनकम को रिपोर्ट किया जा रहा है बिजनेस इनकम की तरह तो आईटीआर 3 में जाएगा, अदरवाइज अगर रिपोर्ट किया जाएगा कैपिटल गेन की तरह तो आईटीआर 2 में जाएगा। एज ए पार्टनर इन ए फर्म, अगर किसी फर्म में कोई पार्टनर है तो उसको जो इनकम हो रही है वो भी आईटीआर 3 ही फिल करता है। आईटीआर 4 जो कि सुगम है, किसके लिए है, रेजिडेंट, इंडिविजुअल रेजिडेंट और एचयूएफ हैविंग टोटल इनकम जो होगी जिनकी 50 लाख से ज्यादा है या फिर बराबर है उनके लिए है आईटीआर 4। किस तरह की इनकम को इंक्लूड किया जाता है, एवरी इनकम फ्रॉम आईटीआर 1, सैलरी पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, यहाँ पर जो इनकम शामिल की जाती है जो आईटीआर 1 में जो लोग हैं जो इनकम उसमें दे रखी थी वही सेम इसमें भी आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं आईटीआर 4 जो है। फिर आईटीआर 5 में आएगा अप्लीकेबल टू फर्म्स, एलएलपीज, एओपीज और डीओआईज, तो जो आईटीआर 5 है वो किसके लिए अप्लीकेबल है, जो फर्म होती हैं जैसे कि पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनके लिए, जो एलएलपीज हैं, एलएलपीज कौन सी हो जाती है, कॉर्पोरेट सोसाइटीज होती हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं व्यक्तियों का संघ है उनके लिए है। आईटीआर 6 किसके लिए है, कंपनीज नॉट क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, जो अंडर सेक्शन 11 के अंतर्गत क्लेम नहीं कर रही होती हैं वो सारी कंपनीज आईटीआर 6 फिल करती हैं, ये मेनली किसके लिए है, कंपनीज के लिए है। आईटीआर 7 पर्सन कंपनीज अंडर, जो पर्सन कोई व्यक्ति या फिर कोई कंपनीज है जो कि किस सेक्शन में आ रही हैं, 139(4A) सेक्शन, 139(4B), 4C और 4D, इसमें जो कंपनीज आ रही हैं वो आईटीआर 7 फाइल करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितने तरह के आईटीआर हैं, किसके लिए हैं और कौन सा सहज है, कौन सा सुगम है। तो ये सारे आईटीआर हैं आपके, देख लीजिएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको रिवाइज कर लीजिएगा। पूछे जाते हैं ज्यादातर, जो मोस्टली पूछा जाता है आईटीआर 4 आता है, आईटीआर 1 बहुत पूछा जाता है, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी खाता संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है, गेटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इज कंपल्सरी फॉर, इसको स्थायी खाता संख्या को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जो परमानेंट अकाउंट नंबर है शॉर्ट में पैन कहलाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में पैन के बारे में पूछ सकता है कि पैन किस लिए इम्पोर्टेंट होता है या फिर पैन की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इनकम टैक्स SSC, इम्पोर्टर SSC अंडर सर्विस टैक्स, ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स पे कर रहा हो या फिर इम्पोर्टर हो या फिर सेवा शुल्क के अंतर्गत करदाता हो, SSC अंडर सर्विस टैक्स, तीनों को ही पैन कार्ड कंपल्सरी होता है। अब तो बैंक में भी एक लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन अगर कर रहे हैं तो आपके लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, बैंक अकाउंट के साथ पैन कार्ड को आधार कार्ड को भी लिंक करना कंपलसरी हो चुका है अब तो यहाँ पर तीनों के लिए ही कंपलसरी है, अनिवार्य है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आजकल तो मोस्टली सभी के पास पैन कार्ड होता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। घोल सुधार किया जाता है, सर्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इज डन, अंडर सेक्शन 145, अंडर सेक्शन 147, अंडर सेक्शन 154, अंडर सेक्शन 156 कि अगर कर निर्धारण करने में किसी तरह की भूल चूक की हो गई है तो उसका सुधार जो किया जाएगा, उस मिस्टेक को सुधारा जो जाएगा वो किस सेक्शन में आएगा। सेक्शन भी एग्जाम में पूछ लेता है, कर निर्धारण की पूछ सकता है या सर्वोच्च कर निर्धारण की, अभी हम आगे उसे भी देख लेंगे। यहाँ पर जो भूल सुधार किया जाता है उसकी सेक्शन हो जाती है 154, तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं कर निर्धारण की धारा है सेक्शन ऑफ सेल्फ असेसमेंट इज 140, 140A, 143, 144। तो यहाँ पर स्वयं कर निर्धारण, तो यहाँ जो आपका कर निर्धारण किया जाता है, असेसमेंट होता है, तो उसके कई आपके टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं इसे और समझ लेते हैं कि कर निर्धारण के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। एक हो जाता है सेल्फ असेसमेंट स्वयं कर निर्धारण, दूसरा हो जाता है सेल्फ असेसमेंट स्वयं कर निर्धारण, दूसरा हो जाता है नियमित कर निर्धारण यानी कि रेगुलर असेसमेंट, तीसरा हो जाता है सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण दिस जजमेंट असेसमेंट, फोर्थ होता है पुनः कर निर्धारण री असेसमेंट, फिफ्थ होता है फेसलेस निर्धारण, फिर आ जाता है सिक्स में क्षेत्राधिकार रहित निर्धारण यानी रिस्ट्रिक्शन लेस असेसमेंट। तो यहाँ पर सिक्स टाइप से होते हैं आपके जो असेसमेंट होता है, उससे क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछता है वो आप सेल्फ असेसमेंट से, रेगुलर से, या फिर जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है उसी से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। स्वयं कर निर्धारण में क्या रहता है, इसे स्वयं कर निर्धारण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो करदाता होता है, जो एसएससी होता है, वो अपनी टोटल जो उसकी इनकम होती है उसकी कैलकुलेशन करके या उसकी गणना खुद से करता है और जितना भी उससे टैक्स बन रहा होता है उस राशि का भुगतान करता है। ये किस धारा के अंतर्गत आ जाता है, ये हो जाता है 140A के अंतर्गत आता है। तो कई काम से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण की धारा है 143, 144, 147, 148 सेक्शन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज। सर्वोत्तम कर निर्धारण जो होगा उसकी क्या, ये आपसे सेक्शन पूछा है, धारा पूछा है, क्या हो जाएगी, तो उसकी धारा हो जाती है ऑप्शन बी 144। सर्वोत्तम कर निर्धारण होता क्या है एक बार ये समझ लेते हैं कि जो करदाता होता है, जो एसएससी होगा, जो कर निर्धारण अधिकारी होते हैं, जो असेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको हेल्प नहीं करता या उनको सहयोग नहीं करता, तो जो कर निर्धारण अधिकारी होगा उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड, वो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, उस पर टैक्सेशन लगाता है। उसमें ये रहता है कि जो डिडक्शन उसको मिल सकती थी वो उससे नहीं मिल पाती क्योंकि उसने खुद से, या ये कह सकते हैं कि हेल्प नहीं करी होती है, या अपने से रिलेटेड जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स देने थे उसने नहीं दिए होते हैं, तो वहां पर एक पक्षीय कर निर्धारण हो जाता है। ये एक्सपर्ट असेसमेंट भी कहलाता है क्योंकि ये कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार ही किया जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या है आपका कि कौन सी धारा हो जाएगी, वो हो जाती 144, एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 143 के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर निर्धारण किया जाएगा संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से। यहाँ पर कोई भी ईयर दे रखा हो सकता है आपका, जरूरी नहीं है 2019-20 दे रखा हो, 23-24 भी हो सकता है। असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 शैल बी कंप्लीटेड फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर विदिन 12 मंथ, विदिन 21 मंथ, विदिन 24 मंथ, विदिन 30 मंथ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर सिंपल सही समझ लीजिए, कर निर्धारण वर्ष की जो एक अवधि होती है वो धारा 143 के अंतर्गत कितनी होती है, तो वो हो जाती है आपकी, किसी भी से पूछे तो 12 माह ही हो जाती है, 12 मंथ की ही होती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन ये आता है कि धारा 143 यानी कि 143 जो है वो किस से रिलेटेड है, तो धारा आपकी 143 जो है वो नियमित कर निर्धारण से रिलेटेड है, जो एक नियमित रूप से एक रेगुलर जो टैक्स लगाया जाता है उससे रिलेटेड है। इसमें क्या रहता है, जो आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया होता है तो कभी कभी अगर जो आयकर अधिकारी होते हैं, जो असेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको लगता है कि उसमें किसी भी तरह की कुछ गलत है इन्फॉर्मेशन दे रखी है, या कुछ प्रॉफिट से उसको नहीं दिखाया गया है, या किसी भी तरह से कोई और टैक्स आप पर बन रहा है, तब वो वहां पर आपको एक नोटिस भेजते हैं और वही आपका कहलाता है नियमित कर निर्धारण या फिर रेगुलर असेसमेंट। यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि कितने वर्ष की समाप्ति से पहले, कि किसी वर्ष में कितने उसकी समाप्ति से पहले जो समय सीमा पूछी थी, तो वो हो जाती है 12 मंथ की 12 माह की। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश जिसकी आयु 62 वर्ष है को आय का रिटर्न दाखिल करना होगा बशर्ते उसकी सकल कुलाय 99 से अधिक हो। आकाश हु इज 62 years old has to file a return of income if his gross total income is in excess of 2 lakh, 2 lakh 50 thousand, 3 lakh, 5 lakh। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे जो कह रहा है, तो एक तरह से क्वेश्चन जो इस पर बन रहा है कि कितनी आपकी करमुक्त आय हो, कि कहाँ तक जो होगी आपकी इनकम एग्जेम्प्टेड होगी और किसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो साथ में उन्होंने एक एज की वो लगा रखी है,
कि एक इंडिविजुअल जो कि 60 साल से कम जिसकी आई है उसके 2,50,000 तक टैक्स फ्री रहेगा। उसके बाद आपकी जो 60 से 80 वर्ष के लोग होते हैं, वरिष्ठ नागरिक होंगे, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए है 3,00,000 की। और जो आपकी उससे सीनियर सिटीजन होंगे जिनकी 80 के अबव है उसके लिए टैक्स लिमिट जो दे रखी है या एग्जाम की लिमिट जो दे रखी है वो दे रखी है 5,00,000 की। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में आपसे जो दे रखा है स्पेशली आयु बताई है, कितनी बताई है, 62 साल की बताई है, तो आपका वरिष्ठ में आ रहा है। इसके लिए कितनी होनी चाहिए जो आपकी लिमिट रहेगी वो हो जाएगी 3,00,000 की। 3,00,000 से ऊपर का अगर है तो उसको फॉर्म फिल करना होगा, यानी कि टैक्स जमा करना होगा। इसके कम है तो उसको टैक्स नहीं देना होगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा अगर एज दे रखी है साथ में तो उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर की लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बैंक के साथ स्थायी जमा की राशि - अधिक होने पर स्थायी खाता संख्या लिखना अनिवार्य है। पैन मस्ट बी कोटेड विद व्हेन द फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक एक्सीड्स 25,000, 50,000, 10,000, 20,000। अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने अगर बैंक में पैसे निकाले जमा किए होंगे तो आपको पता होगा कि क्या इसकी लिमिट होती है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए आप लोग इसका आंसर कि कितने अमाउंट में आप ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे बैंक के साथ जब आपको पैन का जो नंबर होता है पैन नंबर लगाना अनिवार्य होगा साथ में। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। पहले ये चीज़ नहीं थी लेकिन अब कुछ सालों में ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कर निर्धारण अधिकारी होता है असेसिंग ऑफिसर इज असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स ऑफिसर ऑल ऑफ दी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं यानी कि जो टैक्स लगा रहे होते हैं निर्धारण कर रहे होते हैं वो ऑफिसर्स कौन से होते हैं। तो ऑप्शन में दे रखा है कि सहायक कमिश्नर, उप कमिश्नर, आयकर अधिकारी या फिर ये सभी। तो यहाँ पर ये सारे ही ऑफिसर्स और सारे ही अधिकारी क्या होते हैं असेसिंग ऑफिसर होते हैं, कर निर्धारण अधिकारी होते हैं। तो क्या होता है कर निर्धारण? यहाँ पर अभी ट्रांजिशन जो आपका रहेगा इसमें तो कर निर्धारण का मतलब ये होता है कि किसी गत वर्ष में किसी प्रीवियस ईयर में वो व्यक्ति चूंकि जो टैक्सेशन के लिमिट है उसके अंतर्गत आ रहे होते हैं तो उनको टैक्स चुकाना होता है। तो उसके लिए उस टैक्स का कर निर्धारण करना होता है। तो जिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है वो अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी कहलाते हैं, असेसिंग ऑफिसर कहलाते हैं। यहाँ पर ये तीनों ही ऑफिसर्स क्या होते हैं असेसिंग ऑफिसर होते हैं। आइए एक बार देखते हैं कि इसका क्या क्रम रहता है, क्या सीक्वेंस रहता है, कैसे इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है अगर हम बात कर रहे हैं टैक्स की, इनकम टैक्स की, प्रत्यक्ष करों की हम बात करेंगे अगर डायरेक्ट टैक्सेस की, तो सबसे पहले आ जाता है प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, जिसे शॉर्ट में CBDT बोला जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद आ जाता है आपके आयकर प्रधान महानिदेशक या फिर मुख्य प्रधान आयकर कमिश्नर आ जाता है। उसके बाद आता है आयकर प्रमुख निदेशक या मुख्य आय कमिश्नर हो जाता है। फिर आता है आयकर प्रधान निदेशक या आयकर प्रधान कमिश्नर, आयकर निदेशक या आयकर कमिश्नर या आयकर कमिश्नर अपील, अतिरिक्त आयकर निदेशक या आयकर अतिरिक्त आयकर कमिश्नर, फिर संयुक्त आयकर निदेशक आता है, फिर उप निदेशक आता है, फिर सहायक निदेशक आएगा, फिर आयकर अधिकारी आता है, फिर कर वसूली अधिकारी, फिर आयकर निरीक्षक। तो ये इतने हो जाते हैं आपके जो टैक्स रिलेटेड होते हैं या फिर जो एक ऑफिसर्स होते हैं जो कि इससे रिलेटेड काम करते हैं। तो यहाँ पर कई आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर पदाधिकारियों की अंतिम कड़ी है लास्ट चेन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज इज इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे लास्ट में जो आता है वो कौन होगा। तो अभी मैंने सारे आपको बता दिए कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन सा मैंने बताया था वो हो जाएगा जो आयकर निरीक्षक होता है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स होता है। इसकी भी वैकेंसीज आती हैं, आप उसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर विभाग का नियंत्रण करता है हु कंट्रोल्स द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स कमिश्नर, CBDT, ITO, नन। क्वेश्चन में कह रहा है कि आयकर जो विभाग जो है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो किसके कंट्रोल में रहता है, आयकर आयुक्त के, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड के, आयकर अधिकारी के या फिर इनमें से कोई नहीं। तभी जो सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बताया था तो सबसे पहले उसमें कौन सा था, सबसे पहले था प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसे शॉर्ट में CBDT बोला जाता है। अगर एग्जाम में आपको सिर्फ CBDT शॉर्ट में लिखा रहता है उसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
कि जो प्रोटेस्टरों का केंद्रीय बोर्ड होता है उसी के द्वारा या वो ही सारी चीजों पर नियंत्रण रखता है कि किस तरह से कैसे टैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो चलेगी या उससे रिलेटेड जो भी नियम और कानून होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आयकर पदाधिकारियों में सर्वोच्च पदाधिकारी है, टॉप अथॉरिटीज इन इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, चीफ कमिश्नर। तो जो आयकर पदाधिकारी होते हैं उसमें सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पर जो इसका कंट्रोल रखेगा वही सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी भी होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज आना नहीं है आपको, आपका आंसर सीबीडीटी ही रहेगा। यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वही सर्वोच्च पदाधिकारी भी माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसी तरह की और भी वीडियोज आती रहेंगी आप लोगों के लिए। ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई भी अलग से पेड कोर्स नहीं चल रहा है। ये आप लोग का फ्री में यही कोर्स चल रहा है जो मैं आप लोग को रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम तक आती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।